हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और इस हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया हुआ था। इस हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था, उसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ था। और हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जरा वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज में जो हम लोग देखेंगे वो बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक करके देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक एज और दूसरी हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। अब इसमें अगर हम लोग देखें पढ़ना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि वैदिक एज में क्या क्या चीजें थी। तो इसमें काफी कुछ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, बहुत सारी चीजों के बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, क्या आखिर में यहाँ की जो सिटी डेवलपमेंट थी या अगर रूरल इलाका था तो रूरल डेवलपमेंट किस तरीके का था। तो हम लोग पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इस सेशन में हम लोग रिलीजियस बातें थोड़ी सी करेंगे, और ये जो रिलीजियस बातें होंगी वो आपके हालांकि एग्जाम के लिए सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल कभी कभी आपसे आर्ट एंड कल्चर के नाम पे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल ही होते हैं, नहीं कर पाते हैं लोग जनरली। तो आज जो सेशन होगा उसको आप लोग थोड़ा सा सिलेबस वाइज न जा करके थोड़ा सा नॉलेज वाइज चलते हैं हम लोग, देखेंगे नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी रिलीजन की शुरुआत हो रही है। तो देखेंगे रिलीजन की शुरुआत हो रही है तो कैसे हो रही है, कई सारी स्टोरीज भी बताऊंगा मैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी है और कुछ कई बार क्रिटिसाइज करने वाली भी है, तो देखेंगे क्या कुछ है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन में। तो हम लोग का जो रिलीजन होने वाला है आफ्टर दिस हड़प्पा, जो रिलीजन फॉलो किया आता था वो फॉलो किया आता था सनातन धर्म, सनातन धर्म, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो सेशन होने वाला है इसमें हिंदी वर्ड्स ज्यादा आने वाले हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि जो मेनली यहां पर लैंग्वेज हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी, और इस संस्कृत के थ्रू हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि कुछ वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के आएंगे ऑब्वियसली, बट स्टिल जो ऋग्वेद है उसको हम लोग ऋग्वेद ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली नाउन है। तो आप लोगों को इंग्लिश के टर्म जो होंगे वो एक्चुअल में हिंदी के टर्म हो रहे होंगे। तो हम लोग हिंदी में ये थोड़ा सा सेशन ज्यादा जाने वाला है, और वैसे भी देखिए ये थोड़ा सा जो हम लोग बातें करेंगे वो नॉलेज के लिए ही बात कर रहे होंगे, एंड द रेगुलर प्रैक्टिस की जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है। तो फटाफट देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए हमारी अगर रिलीजन की शुरुआत की जाए तो हम लोग भगवान को बोलते हैं गॉड। इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू आर फॉलोइंग, बट गॉड तो हर जगह पर ही होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड एक्चुअली? गॉड का मतलब होता है जी ओ एंड डी। जी का मतलब होता है जो जनरेट करता है, ही इज द जनरेटर, या फिर ओरिजिनेटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप क्रिएटर। तो यहां पर जो है बेसिकली क्रिएशन हो रही है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है जो ऑपरेट कर रहा है, तो ही इज द ऑपरेटर। एंड लास्टली डी का मतलब हो गया जो डिस्ट्रॉय की जा रही है, तो ये जो है वो डिस्ट्रॉयर हो जाते हैं। अगर हम लोग क्रिएशन के नाम पर बात किया जाए तो क्रिएट करने वाले हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को बोला जाता है क्रिएटर, या सृष्टि की जो भी संरचनाएं की गई हैं, जो भी क्रिएशंस की गई हैं वो ब्रह्मा ने की हुई हैं। ऑपरेट करने के लिए विष्णु आते हैं, और यही विष्णु हैं जो लगातार धरती पर अवतार लेते रहते हैं। लास्टली आ जाते हैं डिस्ट्रॉयर के नाम पे लॉर्ड शिवा, मतलब कि यहां पर शिव जी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली तीन टर्म होते हैं जिनका अपना अपना एरिया ऑफ फंक्शन, एरिया ऑफ वर्क है। अगर इन तीनों लोगों के देखें कि कहां पर इनका रेजिडेंस है, कहां पर इनका एरिया ऑफ वर्क है, तो एरिया ऑफ वर्क देखिए इनकी जो है वो हेवन में है, स्वर्ग लोक में है। तो हेवन स्वर्ग लोक में है इनका।
अगर वही विष्णु के बारे में बात करें तो इनको तो ऑपरेट करना है, तो ऑपरेट करना का मतलब क्या है कि अर्थ पे आना पड़ेगा। तो इनका जो बेसिकली वर्क है वो है अवतारवाद को लेकर के, अवतारवाद। और ये जो अवतारवाद है बेसिकली वो पृथ्वी पर ही होना है। तीसरे आते हैं डिस्ट्रॉयर शिवा, और ये जो है वो रहते हैं कहां पर, पाताल लोक में। तो ये बेसिकली जो है वो पाताल लोक में रहते हैं, इसको सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं पाताल लोक। वैसे इंग्लिश में इसको बोलाता है हेज, दिस इज द हेज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे तीन लोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां पर देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोला जाता है इनको। अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग और डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने टाइम स्केल में हर चीज को जो भी देखना है क्रोनोलॉजी में ही देख रहे होते हैं, और जो क्रोनोलॉजी होती है बेसिकली हमारे पास अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो देखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ही बेसिस पे हम लोगों ने अपनी जो अर्थ है उसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक हो गई, मीजोलिथिक हो गई, सिमिलरली मीसोजोइक हो गई, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हम लोगों ने एपिक्स, एराज और पीरियड्स जो है वो देखे हुए हैं, जिसमें कि प्रेजेंट केस के बारे में बात करें तो वी आर लिविंग इन होलोसीन, ठीक है। तो ये चीज जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो जाती है, लेकिन ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहां पर काम नहीं करती है। तो जितने भी रिलीजियस लिटरेचर्स वगैरह हैं वहां पर हमें एक अलग तरीके की टाइम स्केल देखने को मिलती है। इस टाइम स्केल में ऑब्वियसली बड़े लेवल पे होगी, जैसे हमारे पास होता है ना इपोह, एरा, पीरियड, बड़े बड़े स्केल होते हैं, वैसे यहां पर एक बड़ा स्केल होता है जिसको बुलाता है कल्प। कल्प जो है वो सबसे बड़ा टाइम स्केल होता है, और ये कल्प जो है वो शुरुआती दिनों का था, मतलब ये बुलाता है ब्रह्मा का दिन, और यहीं से शुरुआत होती है। इस कल्प के बाद जो सेकेंड लेवल पे, या फिर कह लीजिए जैसे एरा टाइप पे जो आती है उसको बुलाता है मनवत्रा, मनवत्रा। तो ये जो होती है सेकेंड लेवल पे आ जाती है। अगेन देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए है। इस मनवत्रा में 71 लेयर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दिव्य युग, और इसी तरीके से इसकी जो छोटी लेवल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी दिव्य युग। जो दिव्य युग है उसको हम लोग बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं सतयुग, तो दिस इज बेसिकली सतयुग। इसके बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग, इसको आप लोगों ने जितने भी रिलीजियस सीरियल्स वगैरह भी हैं वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा दूसरी होती है द्वापर युग, दिस इज द्वापर युग। एंड लास्टली आ जाती है कलयुग, जिसमें कि प्रेजेंट केस में अभी फिलहाल ये चल रहा है कलयुग। ये जो चारों दिव्य युग हैं, इस दिव्य युग में बेसिकली जो हमारे लॉर्ड विष्णु हैं, ये अलग अलग अवतार लेकर के यहां पर पृथ्वी पर जो भी अर्थ है उसमें अपना अपना काम किए हुए हैं। तो इन चारों एजेस को अगर हम लोग देखें, देखिए आप लोग जरा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं जो स्लाइड्स में नहीं होती हैं, बट वो आपको लिखना ही पड़ता है। अब यहां पर देखिए अगर हम लोग अवतार के बारे में बात किया जाए तो व्हाट वर द अवतार्स, तो इनको अगर देखें हम लोग तो हम लोगों ने चार पार्ट में अभी हम लोगों ने डिवाइड किया ही है। एक है जिसको कि हम लोगों ने बोला हुआ है सतयुग, तो ये बेसिकली सतयुग हो गए। फिर हो गया था क्या चीज, त्रेता युग, तो हम लोगों ने दूसरा देखा त्रेता युग। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है क्या चीज, द्वापर युग, दिस इज द्वापर युग। एंड फिर लास्टली हम लोगों ने देखा हुआ है कि कलयुग आने वाला है, इनफैक्ट कलयुग चल रहा है, ठीक है। अब देखिए सतयुग में चार अवतार हुए थे, चार अवतार। सिमिलरली त्रेता युग में भी दो अवतार, नहीं दो तो नहीं लेकिन तीन अवतार हुए थे। एंड द्वापर युग में दो अवतार हुए थे और कलयुग में एक अवतार हुए हैं। टोटल मार के अगर आप देखेंगे तो ये 10 अवतार हो जाते हैं। हालांकि जब हम लोग आगे मौर्य पीरियड देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक मतलब पोएट थे, एक मतलब कह लीजिए लिटरेचर लिखने वाले थे, 39 अवतार के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। देखेंगे क्या कुछ है उस समय, वहां पर जब बातें करेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल अगर इस सतयुग के बारे में बात करें तो चारों युग में कौन कौन थे, एक है जिसको बुलाता है मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। दूसरे थे जो कुर्म अवतार था, तीसरा अवतार वराह अवतार है, एंड फिर उसके बाद वराह अवतार है दिस इज, एंड फिर उसके बाद है नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। बाकी तीन अवतार कौन कौन से हैं यहां पर, यहां पर है वामन अवतार, नेक्स्ट परशुराम अवतार, नेक्स्ट राम अवतार,
राम अवतार के बाद फिर आती है कृष्ण अवतार, और कृष्ण के बाद आते हैं बुद्ध अवतार, और लास्टली होने वाली है, कहा जा रहा है कि कल्कि अवतार, दिस इज कल्कि अखबार। अब यहां पर देखिए, ये तो हुआ जो रिलीजियस टर्म में है, बट इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है? देखिए, साइंटिफिक मीनिंग ये है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी हम लोगों ने बात किया होता कि सबसे पहले जो जीव बना था, जो भी स्पीसी बनी थी, वो बेसिकली मरीन स्पीसी था। यहां पर भी देखिए, यहां पर बेसिकली ये है फिश, जो कि मरीन स्पीसी है। यहां पर कुर्म का मतलब होता है कछुआ, टॉर्टवाइज, और ये जो टॉर्टवाइज होता है वो बेसिकली वो दोनों जगह पे रहता है, मतलब कि वो मरीन में भी रहता है एज वेल एज वो लैंड पे भी रहता है। तो ही इज द कनेक्टिंग यूनिट, मरीन भी प्लस लैंड भी। इस लैंड के बाद से वराह अवतार, यानी कि जो होता है पिग शेप होता है, सुअर के अवतार एक तरीके से कह सकते हैं, और ये जो है वो लैंडवर्ड हो जाता है। नरसिंह के अवतार, बताइए आपको कि ये बेसिकली मैन प्लस एनिमल, यहां से मैन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। फिर वामन अवतार होता है, वामन में क्या होता है, ड्वार्फ मैन होता है, मतलब शॉर्ट हाइट वाला मैन होता है, और इस तरीके से ह्यूमन आ जाता है। इस ह्यूमन के बाद में यहां पर परशुराम आते हैं, परशुराम का मतलब क्या हो गया कि ही इज द वॉरियर, तो यहां से वॉरियर की स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद से राम आते हैं, और राम का मतलब होता है जो कम्युनिटी में रहने वाला ह्यूमन है, तो कम्युनिटी ह्यूमन हो जाता है। फिर उसके बाद से कृष्णा आते हैं, तो कृष्णा मतलब क्या, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए आ जाते हैं कृष्णा। बुद्धा के लिए आ जाएंगे, तो बुद्धा क्या है, जो एग्रीकल्चर को बेसिकली प्रमोट करते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रमोशन, दिस इज एग्रीकल्चरल प्रमोशन हो जाएगा। और कल्कि लास्टली आ जाएंगे, तो ऐसा माना जाता है कि ये आगे आने वाला है एज अ फ्यूचर मैन, तो ये जो है वो फ्यूचर मैन है, और ये फ्यूचर मैन बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली इस अवतार के बारे में बात किया। ये अवतार जो बताया गया है वो विष्णु पुराण में बताया गया है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इनके जो भी अवतार हैं, और साथ ही साथ उसका जो भी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे, अब जरा आगे वैदिक एज के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक बातें किया हुआ है इंडस के बारे में, इंडस वैली के बारे में बात किया था, जहां पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है वो 2500 टू 1750 BC माना जाता है। इस 1750 के बाद में अब जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आती है वो आती है वैदिक एज की, और ऐसा माना जाता है कि वैदिक एज 1500 BC से स्टार्ट होता है और 600 BC तक जाता है। अब यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले स्टोन एज हुआ करती थी, और इस स्टोन एज के बाद इंडस वैली कैल्कोलिथिक एज में आ गई थी। ये तो आप लोगों को पता ही है, अरे था ना यहां पर कॉपर की खोज हो गई थी, और ताम्र पाषाण युग वगैरह आ गया था, तांबे की यहां पर खोज हो चुकी थी, है ना। यहां पर जब हम लोग वैदिक एज में आते हैं, तो बेसिकली वैदिक एज के मिड पीरियड में ही आयरन की खोज होती है, मतलब लोहे का खोज हो जाता है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ द आयरन वी कैन डिवाइड दिस वैदिक एज इनटू टू पीरियड, वन इज द अर्ली वैदिक एज एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक एज। अब क्वेश्चन ये होता है कि आयरन से दिक्कत क्या है? एक्चुअली आयरन लेड टू वॉर, आयरन ने वॉर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि यहां से कई सारे हथियार बनाए जाते हैं, जैसे तलवार वगैरह या फिर जितने आर्मर वगैरह है वो बना लिए जाएंगे, तो इससे वॉर वगैरह की कंडीशन जो है काफी ज्यादा बनने वाली है। जैसे कहा जाता है ना, यूएस कहता है कि जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हम अपना बिजनेस नहीं डेवलप कर पाएंगे, बिकॉज द बिजनेस ऑफ द यूएस इज बेसिकली व्हाट, एम्यूनिशन का बिजनेस है, डिफेंस बिजनेस है, तो इस वजह से लोगों को वॉर करवाता है। इनफैक्ट यूएस की एक पॉलिसी है जो वर्ल्ड वॉर के दौरान में आई थी, एंड दैट वॉज द मार्शल प्लान। इस मार्शल प्लान का मतलब क्या था, लोगों को वेपन्स दीजिए जिससे कि वो लोग लड़ें, और लड़ेंगे तो वेपन्स खरीदने फिर आएंगे, एंड अल्टीमेटली यूएस का इकॉनमी काफी अच्छा हो जाएगा। तो दिस वॉज द मार्शल प्लान विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। चलिए, खैर वर्ल्ड हिस्ट्री जब देखेंगे तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर अर्ली वैदिक एज आती है, एंड सेकेंड वन इज द लेटर वैदिक एज। इसका पीरियड होता है 1500 BC टू 1000 BC बोला जाता है, और ये जो है वो 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट तक ये माना जाता है। अंतर क्या है, अंतर है यहां पर आयरन आ गया था और यहां पर विदाउट आयरन था।
क्लियर हो गया क्या चीज है दोनों में डिफरेंस। अब इस डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेटर वैदिक एज की क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं या फिर क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबके बारे में डिटेल में जरा चर्चा करते हैं। इस चर्चा में सबसे पहले हमारा आएगा वेदास के बारे में, तो इसका मतलब क्या चीज है, वेद का मतलब क्या है। वेद इज एक्चुअली अ संस्कृत वर्ड जो कि निकल के आया है विद से, तो विद का मतलब होता है व्हाट, विद्या, ये होता है हिंदी में विद्या, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट, नॉलेज। तो ये जो है वो नॉलेज है। अगेन हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो केवल और केवल अपने नॉलेज के लिए बातें कर रहे हैं। अभी आपका इस इन सारे सेक्टर्स का बेसिकली एग्जाम के लिए उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप इसको जानते रहेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगी वो काफी ब्रॉड रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि इंडस से वैदिक एज में आए, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था। अब आर्यन का इन्वेजन हुआ था या नहीं हुआ था ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो वैदिक पीरियड में जो यहां पर सिविलाइजेशन थी या कह लीजिए जो लोग यहां पर रहते थे उनको आर्यन कहा जाता था। आर्यन का मतलब क्या होता है, आर्यन का मतलब होता है सुपीरियर, जो लोग भी श्रेष्ठ हैं, जो लोग जो होता है कुलीन है, मतलब दोज हु आर हाई क्लास पीपल, उनको बोलते हैं आर्यंस। अब यहां पर अगला क्वेश्चन फिर आता है, ये जो आर्यन है ये आए कहां से थे, अगर ये यहां के ओरिजिन नहीं थे तो आए कहां से थे, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हुई है, जैसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि देखिए आर्यन जो है वो अल्पाइन ट्राइब के हैं और ये जो अल्पाइन ट्राइब है वो बेसिकली नॉर्थ पोल पे पाई जाती है, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया कि ये आए थे आर्कटिक से, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्कटिक से आए थे और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, और इसमें इन्होंने बात की हुई थी कि जो आर्यंस है वो मतलब आर्कटिक से आए हुए हैं। दूसरे हमारे आते हैं दयानंद सरस्वती, तो जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी, आर्य समाज को डेवलप किया हुआ था, आर्य समाज, मेरी भी यहां पर हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है कोई बात नहीं, तो इन्होंने बोला था कि दे आर द तिब्बतंस, ये जो है वो तिब्बत से आए हुए हैं और ये बेसिकली हिमालयन ओरिजिन के हैं, हिमालय से लोग आ रखे हैं। तीसरे जो हैं हमारे वो हैं त्रिवेदी जी, मतलब इनका पूरा नाम है डी एस त्रिवेदी, इनको याद रखना काफी आसान है। देखिए त्रिवेदी, इन्होंने बोला कि ये देविका प्रदेश से आए हुए हैं, तो देविका प्रदेश जो बोला जाता था वो अफगानिस्तान को बोला था, तो ये लोग जो है बेसिकली वो अफगानिस्तान से आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द डी एस त्रिवेदी जी। इसके बाद हमारे साहब आते हैं जिनका नाम है डी कल्ला, इन्होंने कहा के से इन्होंने बोला कि देखिए कश्मीर ओरिजिन के हैं ये लोग जो हैं वो कश्मीर से आए हुए हैं, मतलब कि ये लोग भी हिमालयन ओरिजिन के हैं। तो यहां पर देखेंगे तो दयानंद सरस्वती और कल्ला साहब का सेम ही एक ही चीज कहना है, बट दोनों में अंतर ये है कि ये तिब्बतन साइड से बोल रहे हैं जबकि ये कश्मीर साइड से आए हुए बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं और उनका नाम है संपूर्णानंद, इन्होंने संपूर्णानंद ने कहा कि जो आर्यंस हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या चीज है, सप्त का मतलब होता है सेवन, सैंधव मतलब हो गया इंडस, प्रदेश मतलब हो गया बेसिकली द स्टेट। अब यहां पर सप्त सैंधव का मतलब क्या हो गया, सेवन रिवर्स कौन कौन सी हैं देख लीजिए, इंडस, फिर उसके बाद से झेलम, फिर उसके बाद से चेनाब, इस चेनाब के बाद फिर कौन सी आ जाती है, रावी, इस रावी के बाद में आ जाता है हमारा सतलज, एंड सतलज के बाद लास्टली आ जाती है सरस्वती। तो 1 2 3 4 5 6 एक रिवर छूट गई है, कौन सी छूटी है, ब्यास इज द सेवेंथ रिवर। तो इस तरीके से सेवन रिवर आ जाती है, हालांकि इन सारी रिवर्स का अलग अलग नाम हुआ करता था एंशियंट टाइम में, कौन कौन से नाम होते थे, इंडस को बोला जाता था सिंधु, ये नाम देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है, झेलम को बोला जाता था वितस्ता, ठीक है, चेनाब जो था उसका नाम था अस्किनी, तो ये अस्किनी होती है,
रावी का जो नाम था वो पौरुषड़ी था, पौरुषड़ी, ठीक है, अभी मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद से ब्यास थी विपासा, सतलज शतुद्री, शतुद्री, ठीक है, एंड लास्टली ये जो हमारी सरस्वती है वो हो जाती है घग्घर। तो ये बेसिकली हो जाएगा घग्घर, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए यहां पर याद करने के लिए इंडस सिंधु आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चेनाब, चेनाब का, अच्छा ठीक है, चेनाब तो अस्किनी, देखिए याद करना पड़ेगा। रावी एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैन लाइक की इसकी फीलिंग आ रही है, रवि रवि होता है ना, तो वैसे ही पौरुषड़ी, पौरुष का मतलब होता है एक तरीके से मैनकाइंड, एक तरीके से, तो ये हो जाती है पौरुषड़ी, तो वॉरियर टाइप का नाम होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बार फटाफट देख लेते हैं, जो इंडस है उसका नाम क्या है, सिंधु है नाम। इसी तरीके से चेनाब का नाम क्या चीज है, चेनाब का नाम हो जाएगा अस्किनी, तो अस्किनी हो जाएगी। सिमिलरली झेलम के लिए वितस्ता हो जाएगा, इसी तरीके से रावी के लिए पुरुष वाला हो गया तो पौरुषड़ी हो जाएगा। सिमिलरली अगर सतलज के लिए देखें तो शतुद्री हो जाएगा, ये तो एसएस वाला ही हो जाएगा। उसके बाद सरस्वती हो जाएगी घग्घर हो जाएगा, तो अभी भी इनफैक्ट घग्घर रिवर है। फिर उसके बाद से ब्यास हो जाएगी विपाशा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सब सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं, ऐसा बोला गया था संपूर्ण नंद के द्वारा। इसके बाद से लास्टली एक और साहब है हमारे, उनका नाम है गंगानाथ झा। तो गंगानाथ झा, गंगानाथ साहब बोले थे कि ये जो है गंगा यमुना प्रदेश के हैं। गंगा यमुना प्रदेश को बोला था ब्रह्मर्षि प्रदेश, तो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश है। थोड़ा सा यहां पर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, आप लोग आवाज सुनकर के लिख लीजिएगा, ब्रह्मर्षि प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद से ये हमारे हो गए, इसके बाद से कुछ हमारे फॉरेनर्स भी हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि आर्यन कहां कहां से आए हुए हैं। जैसे उसमें से सबसे पहले एक है साहब विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी एस्टैब्लिशमेंट की हुई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए ये लोग यूरोपियन है, ये यूरोप से आए हुए हैं, और इन्होंने ऐसा कहा था बिकॉज यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में काफी सिमिलैरिटी है। इसी तरीके से हमारे साहब है मैक्स मुलर, मैक्स मुलर साहब ने बोला था कि देखिए ये लोग जो होता है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वैदिक एज में जो लिखा गया था वो लिखा गया था ऋग वेदा, ऋग वेद लिखी गई थी, और उसी तरीके से सेंट्रल एशिया में जैन अवस्था थी, तो दिस इज जी जेड है, ठीक है, जैन अवस्था ये लिखी गई थी, और इन दोनों में बहुत ज्यादा ही सिमिलैरिटी है। मतलब इनफैक्ट सिमिलैरिटी के नाम पे अगर बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक को पढ़ करके दूसरी लिखी गई है। इनफैक्ट कई सारे कॉपी पेस्ट हैं, बहुत सारी लाइंस कॉमन है, वर्ड्स कॉमन है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली द आर्यंस वर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड दे हैबिटेड देयर, कहां पर, हमारे इंडियन साइड में आ गए थे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये अवस्था जो है इसके कारण से मिल जाता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि ऋग्वेद में कहीं पर भी सेंट्रल एशिया के बारे में नहीं लिखा गया है। तो ऐसा कहा गया कि अगर ये सेंट्रल एशिया के होते तो सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ तो बताए रहते, तो इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है नहीं आए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेलिक्स के फॉर्मेट में, रेलिक्स को बोला जाता है क्या, इसको बुलाता है अभिलेख, अभिलेख। जैसे कई जगह पर आप लोग घूमने गए होंगे, वहां पर देखे होंगे कि साइड में जो होता है एक रॉक टाइप का पार्टिकल बना होता है और उसके ऊपर में टॉप पे जो होता है कुछ लिखा लिखा होता है, इसी को बुलाता है अभिलेख, ठीक है, इसको बुलाता है रेलिक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेंट्रल एशिया में बहुत सारे हमें रेलिक्स मिले हैं जहां से हमें पता चलता है कि सेंट्रल एशिया के ही आर्यंस हुए करते होंगे। यहां पर जैसे रेलिक के फॉर्मेट में कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। एक का नाम है कैसेट, कैसेट एक तरीके की रेलिक है जो कि बेसिकली इराक में मिली थी। और इस तरीके से एक और है मितानी, जो मितानी है वो सीरिया में मिली है, और ये दोनों के दोनों बेसिकली रेलिक्स बताते हैं कि आर्य यहां पे थे, मतलब कि आर्य जो थे उनका मेंशन यहां पर मिलता है। इसके अलावा एक और है बोगज कोई, बोगज के एच ओ आई, बोगज कोई रेलिक, और यहां से भी हमें पता चलता है कि देखिए जो हमारे आर्यंस थे वो यहां पर थे, तो इस वजह से यहां पर चीजों के बारे में पता चल जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि बोगज कोई में आखिर में लिखा क्या है, वर्णित क्या है, उल्लेख किस बात का किया गया है। तो यहां पर कुछ कह लीजिए कि गॉड है जिनका नाम लिखा गया है, जैसे इंद्र, इंद्र का नाम लिखा गया है,
इसके अलावा वरुण का नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा मित्र का नाम लिखा हुआ है, मित्र मतलब मित्र देव, ठीक है। इसी तरीके से नासत्य के बारे में लिखा है, नासत्य मतलब होती है एक तरीके से कह लीजिए कि चिकित्सा, मतलब कि जो है एक तरीके से कह लीजिए कि सर्जरी, तो ये बेसिकली सर्जरी होती है, सर्जरी के देवता जो होते हैं उनको बुलाता है नासत्य, ठीक है। और ये आग को मतलब अग्नि को हटा करके अग्नि की जगह पर, फायर की जगह पर बेसिकली इसका वर्णन किया गया है, इसको लिखा गया है। तो एक तरीके से यहां पर थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी है फायर को लेकर के, अदरवाइज जो होती है मैक्सिमम सिमिलैरिटी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज थी बेसिकली जो हम लोगों ने बातें किया हमारे कुछ अर्ली फाइंडिंग्स के बारे में। थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल में आते हैं तो हमारे पास जो वैदिक एज है, इस वैदिक एज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट को बोला है हम लोगों ने अर्ली ऋग्वैदिक एज या फिर अर्ली वैदिक एज, और दूसरा जो हम लोगों ने बात किया हुआ है वो है लेटर वैदिक एज के बारे में, ठीक है। जो हमारी अर्ली वैदिक एज थी यहां पर हमारे पास बहुत सारे मतलब कह लीजिए कि लिटरेचर्स लिखे गए थे जिसको बोला जाता है संहिता। तो ये संहिताज हैं, इस संहिताज में वेदाज लिखे गए थे जिसमें हमारे पास चार वेद हैं बेसिकली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारे पास ये चार वेद हो जाते हैं, बट इन चारों वेदों की जो लैंग्वेज है वो काफी टेक्निकल है, और इस टेक्निकल लैंग्वेज को नॉर्मल भाषा में मतलब हम और आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब जैसे पॉलिटी की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, उसको आप एक आम आदमी को दे देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। एंड इसके लिए, इसको अंडरस्टैंडिंग के बेटर तरीके से समझने के लिए, जो भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में लिखी गई, उसके लिए फिर से अगेन कुछ राइटिंग्स लिखी गई। अब ये कौन कौन सी राइटिंग्स है, इसमें लिखा गया ब्राह्मणाज, ब्राह्मणाज लिखी गई, इसके अलावा अरण्यकाज लिखी गई, अरण्यकाज, ठीक है। इसके अलावा उपनिषद लिखी गई, उपनिषद, और साथ ही साथ जो होती है हालांकि पुराण्स भी थे, बट पुराण में स्टोरीज हैं वो बेसिकली इस वेद को समझने के लिए नहीं लिखी गई थी। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हो जाती हैं। उपनिषद के बारे में बात करें तो देखिए हमारे पास टोटल 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद आर देयर, बट ओनली एंड ओनली 12 आर देयर विद अस, हम लोगों के पास केवल 12 ही है। और उपनिषद भी अगेन जो होते हैं काफी टेक्निकल हुआ करते थे, जिसको कि अगेन कंपाइल कर पाना बड़ा मुश्किल था। हालांकि जो है महावीर स्वामी ने कंपाइलेशन किया हुआ था और भाष लिखी थी, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस ही करेंगे। लेकिन इसकी टेक्निकलिटी को और ज्यादा सिंप्लीफाई जो किया गया वो लेटर वैदिक एज में किया गया, और यहां पर जो है वो समझने के लिए अगेन वेद को अलग अलग पार्ट से डिवाइड किया गया। जैसे एक है जो वेदांग थे, वेदांग के फॉर्मेट में और उपवेद के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया। वेदांग जो थे वो 6 वेदांग्स थे और उपवेद जो है वो 4 उपवेद थे। वेदांग में अगर बात किया जाए तो अगेन नंबर्स ही हैं, जैसे एक है एजुकेशन, 6 में एक आता है जो एजुकेशन होता है, सिमिलरली एजुकेशन मतलब शिक्षा। इसी तरीके से ग्रामर, ग्रामर का मतलब हो जाता है व्याकरण। इसी तरीके से आ जाती है कल्प, कल्प का मतलब स्कल्पचर हो जाती है। फिर उसी तरीके से हो जाता है निरुक्त, निरुक्ताज, निरुक्त हो जाती है। इसके अलावा छंद होता है, दिस इज छंद, और छंद के बाद एस्ट्रोनॉमी हो जाती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ज्योतिका, ठीक है, ज्योतिका। दिस इज अगेन ओनली फॉर योर नॉलेज, और एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो सिंपल ये पूछा जा सकता है केवल कि जो है ये 6 पार्ट में कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे एजुकेशन है, शिक्षा है, ग्रामर है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्ताज है, छंद है, और ज्योतिका यानी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। तो दीज आर एक्चुअली नाउन्स, यू कैन यूज इट इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो है काफी सिमिलैरिटी होने वाली है और काफी लेक्चर हिंदी टाइप का होने वाला है। उपवेद में 4 उपवेद हैं हमारे पास, इसमें से कौन कौन से हैं, अगेन एक है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब औषधि, शिल्प आ जाती है जिसको हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं, तो ये बेसिकली जो होती है वो शिल्प होती है। इसके अलावा जो होती है म्यूजिक होता है, म्यूजिक को यहां पर हिंदी में बोलेंगे गंधर्व, स्पेशली मैं लिख रहा हूं क्योंकि गंधर्व विवाह अलग होता है, दैट इज द लव मैरिज, दैट इज डिफरेंट थिंग, यहां पर गंधर्व का मतलब होता है म्यूजिक से रिलेटेड। और लास्टली हो जाता है वॉरियर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं धनुर्वेद, धनुर्वेद, तो बेसिकली यहां पर चैरी मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि
आश्री बेस पे होता है यहाँ पर वॉरियर, तो ये धनुष बाढ़ लेकर के अपना जो भी खेल खेलना है वो खेल खेलेंगे। तो ये थी हमारी बेसिकली जो बेसिक डिस्कशंस है वैदिक को लेकर के, जहां पर हम लोगों ने कुछ लिटरेचर्स के बारे में बात किया। अब यहाँ पर जो हम लोग कुछ देख लेते हैं वेद्स के बारे में, तो बेसिकली फोर टाइप ऑफ वेद्स आर देयर। वन इज द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज द वैदिक लिटरेचर। वेदास हैव फॉर्म्ड द इंडियन स्कल्पचर। द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ वैदिक लैंग्वेज वॉज कोडिफाइड बाई वेदा एंड दे ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्लासिकल हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चीज थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम जरा कुछ और डिटेलिंग के बारे में आ जाते हैं। जैसे है हमारी ऋग्वेद, ऋग्वेद में इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा, ये अर्लीस्ट फॉर्म है और ये बेसिकली कह लीजिए कि इसमें मंत्राज है, तो इसमें जो है वो मंत्र है और इसमें वॉरशिप के लिए, पूजा पाठ करने के लिए चीजों के बारे में बताया गया है। यानी यहां पर जितनी भी चीजें रहेंगी वो एक तरीके से दोहे टाइप में होंगी, या फिर कह लीजिए कि जो होता है यहां पर लिटरेचर जो लिखी गई है दैट इज इन द मंत्र फॉर्मेट। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है, तो ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। बट इसकी जो लिखने की शैली है, मतलब कि जो यहां पर राइटिंग है, वो ब्राह्मी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि हो जाती है। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि मैंने एक तरीके से मान लीजिए कुत्ता लिखा, तो ये मैं कुत्ता अगर लिख रहा हूं तो दिस इज व्हाट, मैंने इंग्लिश राइटिंग ली हुई है बट लैंग्वेज जो है हिंदी है। सिमिलरली संस्कृत है, संस्कृत को मैंने, मतलब लैंग्वेज इज द संस्कृत, भाषा जो है वो संस्कृत है, लेकिन जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, एक चीज आप लोगों को यहां पर थोड़ा समय आपको और कंसेप्ट बता देता हूं कि बिफोर जैन या बिफोर बुद्धिज्म जो लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब जो कह लीजिए कि राइटिंग्स हुआ करती थी, वो होती थी ब्राह्मी में, तो इससे पहले ब्राह्मी होती थी। और जैसे ही जैन आ जाता है वैसे ही लैंग्वेज बदल करके पाली हो जाती है, तो पाली लैंग्वेज में लिखना शुरू हो जाता है। तो ये आपको एक कंसेप्ट मिल गया कि जब तक भगवान बुद्ध आएंगे फिर जो है ब्राह्मी लिपि लिखी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आगे बढ़ते हैं और जैसे ही महावीर स्वामी एंड जैन धर्म आ जाता है वैसे ही पाली लैंग्वेज आ जाएगी, पाली मतलब कि लिपि आ जाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो सेकंड आती है हमारी सामवेद। सामवेद का मतलब ये होता है कि दिस इज द एक्चुअली द सिंगिंग, और सिंगिंग है तो सीधी सी बात है कि पोएट्री फॉर्मेट में होगी, तो ये बेसिकली पोएट्स हैं, ये एक तरीके से कह लीजिए कि केवल और केवल कविता के फॉर्मेट में है, तो यहां पर सिंगिंग कह सकते हैं। यहां पर 7 राग हैं, 7 राग के बारे में यहां पर बात की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्डली हो जाती है यजुर्वेद, इसमें एक तरीके से प्रोज एंड प्रोज प्लस पोएट्री दोनों ही है, गद्य और पद्य दोनों ही यहां पर है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखने का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स, तो इसमें दोनों चीजें लिखी गई हैं। लास्टली आती है अथर्ववेद के बारे में, इट इज द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म। एक और चीज याद रखिएगा, मेडिसिन के भी बारे में इसी बुक में बताया गया है, तो मेडिसिन के लेकर के भी यही बुक है। इसके बारे में अगर देखते हैं, एक और चीज जरा यहां पर देखिएगा, जब भी हम लोग आगे वेदास के बारे में बात करेंगे तो वेदास, अभी मैंने बताया कि काफी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे होते थे, जिसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको समझने के लिए कुछ और भी चीजें लिखी गई, जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लिखे गए। इसके अलावा उपनिषद लिखे गए, उपनिषद जिसमें कि 108 उपनिषद आर देयर, बट हमारे पास केवल 12 ही है। और इसके अलावा ब्राह्मण उपनिषद के अलावा अरण्यकाज लिखे गए, अरण्यकाज, ये अरण्यकाज ऑब्वियसली जंगल में लिखे गए हैं, मतलब कि जंगल में जाकर के लोगों ने इस चीज को लिखा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली जब भी कोई वेद के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उससे रिलेटेड ब्राह्मण्स, उससे रिलेटेड उपनिषद और उससे रिलेटेड अरण्यकाज के बारे में भी जानकारी होनी काफी जरूरी है। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड चर्चा कर लिया जाए तो देखिए, ऋग्वेद में इट इज द ओल्डेस्ट वेद इन ऋग्वेदा, और इसमें 1028 हैम्स कॉल्ड सुक्त है और ये 10 बुक्स में है। इसके बारे में भी अगेन थोड़ा सा यहां पर हम लोग थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, हर बुक में, किसी भी बुक को आप ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं। इनफैक्ट पहले ग्रुप ऑफ चैप्टर्स होते हैं, उसमें बता देता है कि चलो ठीक है डेमोक्रेसी का ये चैप्टर होने वाला है, फिर उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं लाइक व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। तो एक होता है जहां पर आपकी ग्रुप ऑफ चैप्टर्स होती है, तो एक ग्रुप होती है,
फिर उसके बाद से चैप्टर होती है, फिर उस चैप्टर के बाद से टॉपिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं किसी बुक में। इसी तरीके से ऋग्वेदा में भी यही फॉलो किया गया है। जो ग्रुप ऑफ चैप्टर होते हैं उसको बोला जाता है मंडल। तो ये बेसिकली मंडल हो जाते हैं। हमारे पास टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल के बाद इसमें चैप्टर्स आ जाते हैं और ये जो चैप्टर होते हैं उसको बोला जाता है सूक्त। तो दिस इज बेसिकली द सूक्त। यहां पर जो सूक्त लिखी गई है वही है सूक्त और ये टोटल 1028 है। एक्चुअली ये 1028 नहीं है, अभी मैं बताता हूं क्या है इसमें। और बाकी जो है टोटल अगर मंत्रास के बारे में बात करें, टोटल हिम्स के बारे में बात करें, तो यहां पर जो है 10580 मंत्र आ जाते हैं। नंबर आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर अगर दसों मंडल के बारे में बात किया जाए तो देखिए 227 मंडल नंबर 227 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा ना, उसमें से 227 ये जो है वो गोत्र मंडल है। गोत्र मंडल, इस गोत्र मंडल में 2 3 4 5 6 7 इनके बारे में अगर बात किया जाए, सबके गोत्र के बारे में कि कौन कौन से गोत्र हैं, तो यहां पर देखिए जो सेकंड नंबर का मंडल है उसको बोला गया है ग्रीत्म ग्रीत्स, दिस इज जी आर आई टी एस मद, ग्रीत्मद ऋषि। तो ग्रीत्मद ऋषि हैं, इनके बारे में सच कुछ खास जानकारी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर थर्ड गोत्र में लिखा गया है विश्वामित्र के बारे में, विश्वामित्र। और इसी विश्वामित्र में इसी वाले मंडल में जो आपकी गायत्री मंत्र है उसको भी एक्सप्लेन किया गया। तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र बेसिकली दो चीजों के लिए यूज की जाती थी। पहला सन की वर्शिप करने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए, और दूसरा जो भी नॉन आर्यंस थे उनको आर्यन में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिकली दो बातों के बारे में वर्णन किया गया, दो बातों को एक्सप्लेन किया गया है, सन की पूजा एंड सेकेंड नॉन आर्यन को आर्यन बनाने के लिए। देखिए एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो यू शुड हैव अ बेटर क्लैरिटी। और देखिए हिस्ट्री में एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, मैंने भी इनफैक्ट स्ट्रगल किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हिस्ट्री को समझना है, अंडरस्टैंडिंग अगर रखनी है तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। और इनफैक्ट हम लोग इस हिस्ट्री के सीरीज में बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाई करने वाले हैं। डिटेल्ड पढ़ाई किए रहेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा हिंदी टाइप का होने वाला है, काफी ज्यादा इसमें डिटेल्ड चर्चा हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो लेकिन हमारे नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने थर्ड मंडल में देखा कि यहां पर विश्वामित्र के बारे में लिखा गया है और यहां पर गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है। फोर्थ में अगर बात करें तो यहां पर लिखा गया है वामदेव के बारे में, दिस इज वामदेव। फिफ्थ में लिखा गया है अत्रि के बारे में, दिस इज अत्रि। एंड सिक्स्थ के बारे में लिखा गया है भारद्वाज, दिस इज भारद्वाज। हालांकि जो होता है भारद्वाज को लेकर के आजकल बहुत सारे टाइटल बन जाते हैं। इसी तरीके से लास्टली सेवेंथ हो जाते हैं वशिष्ठ, तो दिस इज वशिष्ठ। ठीक है, और ये वशिष्ठ में इसी में सेवेंथ में ही दश राज वॉर के बारे में बात की गई है। अब व्हाट इज दिस दश राज वॉर, इसके बारे में आप लोग जरा ध्यान में रखे रहिएगा। यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, दश राज वॉर, दस का मतलब 10, राज मतलब राजा यानी किंग्स, तो दीज आर राजा। तो ये जो है 10 किंग वॉर बोला जाता है, 10 राजाओं का वॉर क्या चीज है, अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी बेसिकली हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सेवन तक समझ में आ गया क्या चीज है। देखिए फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट इज द न्यू वन। देखिए ये जो 2 से 7 तक हम लोगों ने दिखा है ये बेसिकली ओल्ड मंडल है, पुराने मंडल है। और नए मंडल कौन कौन से हैं, 1 है और 7 तक हो गया, 8 है, 9 है, 10 है, और जिसमें से दसवां वाला सबसे ज्यादा नया मंडल है। समझ में आया क्या चीज है। अब देखिए 7 तक हम लोगों ने बात कर लिया था, आठवां जो मंडल है वो कार्णव मंडल है, मतलब कार्णव ऋषि के द्वारा लिखा गया है। कार्णव ऋषि के बारे में यहां पर बताया गया है और यहां पर अभी हम लोग बात करेंगे जो सुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, सुक्ति, इसमें इन्होंने बाल खिल्य सुक्ति के बारे में बात किया गया है। देखेंगे अभी क्या चीज होती है। नाइन्थ में जो बातें की गई हैं वो अंगिरा के बारे में बात की गई है, दिस इज द अंगिरा। अंगिरा का मतलब
सोम रस के बारे में, ये सोम रस है और ये सोम रस को आप अल्कोहल के साथ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज सोम रस। सोम रस एक्चुअली क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा, हिमालयाज में, कई लोग इसको अमृत भी बोल देते हैं, देखिए ये अमृत भी नहीं है और ये अल्कोहल भी नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सोमरस के बारे में बताया जाता है कि हिमालय में, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहां पर एक स्पेशल प्लांट होती है और इस स्पेशल प्लांट से एक लिक्विड निकलती है और इसी लिक्विड को ही सोमरस बोला जाता है। दिस इज द सोमरस, इसको पीना अच्छा माना जाता है, दिस इज द हेल्दी ड्रिंक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है अंगिरा सोमरस के बारे में लिखा गया। और लास्टली 10th में जो बताया गया है वो पुरुष सुक्ति के बारे में, पुरुष सुक्ति और इसी में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब ये जो पुरुष सुक्ति है इसमें बताया गया, अभी हम लोग जब उपनिषद के बारे में बात करेंगे वहां पर बताऊंगा कि ये बेसिकली जबालो उपनिषद में इसका और ज्यादा डिटेल्ड बातें बताई गई है। उपनिषद जबालो उपनिषद, अब ये जबालो उपनिषद क्या है, 100 ईयर्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 25, 25, 25 एंड 25 ईयर्स। ये जो 25-25 साल है बेसिकली ये क्या है, दिस इज द ब्रह्मचर्य, दिस इज ब्रह्मचर्य। होता है ना कि लाइफ के 21-25 ईयर्स जो होता है ब्रह्मचर्य होते हैं, जिसमें एजुकेशन वगैरह के लिए लोग जाते हैं, पढ़ाई वाई करते हैं, एंड देन उसके बाद से ब्रह्मचर्य के बाद आ जाता है गृहस्थ, दिस इज द गृहस्थ, ठीक है। फिर थर्डली आ जाती है वानप्रस्थ, दिस इज वानप्रस्थ, एंड लास्टली आ जाती है संन्यास। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में और बात करते हैं। ब्रह्मचर्य में ये होता है कि आपको जाना होता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन यहां पर एक चीज होती है उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन क्या चीज होती है अभी हम लोग और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। दिस इज बेसिकली फॉर द एजुकेशन, एजुकेट हो जाता है बंदा, अब आता है, अब उसकी मैरिज वगैरह हो जाती है। नाउ इट इज द कह लीजिए कि जो धर्म है बंदे का वो है मैरिज, एंड जो भी आपकी डायनेस्टी है, जो भी आपका वंश है उसको आगे बढ़ाना है, मतलब यहां पर टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन, आपको प्रोड्यूस करने होंगे चिल्ड्रेन। वानप्रस्थ में ये होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाकर के सोना नहीं है, यू हैव टू लुक फॉर द मेडिसिन, वहां पर आपको मेडिसिन की खोज करनी है, और यही मेडिसिन जो अथर्व वेद में लिखा गया है। तो मेडिसिन के बारे में लिखना मतलब जाकर के देखना होता है, खोजना होता है और उसके बारे में फिर जो है लिखना होता है, और यही बेसिकली अरण्यकाज है, यही जो है वो अरण्यकाज है, जंगल में जाके लिखने वाला है। एंड देन अल्टीमेटली संन्यास का मतलब हो गया कि आप ऋषि मुनि बन चुके हैं, एंड यू आर नाउ डिलीवरिंग योर नॉलेज एक्सपीरियंस टू द न्यू कमर्स। तो ये बेसिकली जबालो उपनिषद है जहां पर इसके बारे में बताया गया, जो कि 10वें मंडल में पुरुष सुक्ति में बताया गया है। फिर उसके बाद से वर्ल्ड सिस्टम है, जो कि अगेन ऋग्वेद में, ये सारा कुछ हम लोग ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्ण सिस्टम में हमारे पास चार तरीके के वर्ण आ जाते हैं, कौन कौन से, एक तो ब्राह्मण, दिस इज ब्राह्मण, फिर उसके बाद से क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, एंड लास्टली शूद्र आ जाता है। इनफैक्ट जो है उपनिषद से हमें यह भी पता चलता है कि अगर सपोज दिस इज द मैन, तो इसका जो माउथ है, जो मुंह है, वहां से ब्राह्मण्स निकले गए हैं, ऐसा बताया जाता है। जो ये हाथ है, हाथ से क्षत्रिय निकले हुए हैं, जो इसकी कह लीजिए कि दीज आर द थाइज, जो थाइज हैं वहां से वैश्य निकले हुए हैं, और जो पैर की नाखून है उस नाखून से शूद्राज निकले हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने बात किया सारे मंडल के बारे में, 1 to 10 मंडल के बारे में हम लोगों ने बात किया, जहां पर 2 to 7 मंडल गोत्र के बारे में बताता है, और बाकी के जो 8, 9, 10 है, 8 में हम लोगों ने बात किया कांडव ऋषि के बारे में, और यहां पर जो है वो बालखिल्य सुक्ति के बारे में बताया गया है, 9वें में अंगीरा सोमरस के बारे में बताया गया, और 10वें में बेसिकली पुरुष सुक्ति और वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि 10वें में क्या चीज है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, और वन सेकेंड, ओके अगेन, ओके यहां पर हम लोगों ने जो बात किया वो अभी हम लोगों ने मंडल्स के बारे में बात कर लिया, जहां पर 1 से 10 मंडल है इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद से बेसिकली चैप्टर्स आते हैं, और चैप्टर्स में आपको पता है कि यहां पर बेसिकली हम लोग सुक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुक्तास के बारे में क्या चीज है,
यहां पर देखिए जो सूक्ति है वो टोटल के टोटल मार करके 128 बताया गया है, बट एक्चुअल में दिस इज हायर देन 128। इसको तीन पार्ट में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। एक है जो कहा जाता है बालखिल्य, और बालखिल्य से पहले जरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो एक है जो साकल है, दिस इज साकल, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे साकल, ठीक है। फिर उसके बाद से बालखिल्य है, तो यहां पर ये बालखिल्य हो जाएगा, और फिर लास्ट ट्रिप में एक और है जिसको बोलते हैं वाष्कल, तो दिस इज वाष्कल। साकल जो है वो टोटल 1017 1017 है, 11 बालखिल्य हैं जिसको की एथ नाइन्थ मंडल में लिखा, सॉरी एथ मंडल में लिखा गया, आठवें मंडल में है। और जो ये वाष्कल है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, दिस इज ओनली रिटन इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में बस लिखा हुआ है, बट इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नॉट नोन, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये टोटल है 56, तो इस वजह से हम लोग केवल टॉप टू को मानते हैं, साकल और बालखिल्य को मानते हैं, और केवल 128 मानते हैं, बट स्टिल देयर आर 56 मोर सुक्तीज इज देयर इन द जो भी हमारा ऋग्वेद है उसमें। तो टोटल मार्कर की अगर बात करेंगे तो ये टोटल 1094 सुक्तीज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कई बुक्स में आपको 1094 भी देखने को मिल सकता है। और टोटल मंत्र के बारे में बात कर लेंगे तो टोटल मंत्र कितने हो जाएंगे, 10580, ठीक है। कई जगह पर इसको 1600 भी 10600 भी लिख देता है राउंड ऑफ करके, बट दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट जो है वो 10580 ही सिर्फ है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए और थोड़ा सा इसके देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेद इट इज ऑल्सो रिटन इन द वैदिक संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई है। ऋग्वेद जो होती है वो टू इज द प्रेज नॉलेज, एंड इसमें 10600 वर्सेस लिखे हुए हैं, जो अगेन गलत है, क्या है 10580, ठीक है, मंत्रास, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्सेस, ठीक है। आउट ऑफ 10 बुक्स, या फिर जिसको मंडल बोलते हैं, 1 to 10 आर द यंगेस्ट वन एंड दे आर रिटन लेटर देन 2 to 9, जहां पर सबसे ज्यादा न्यूएस्ट, सबसे ज्यादा कह लीजिए कि यंगेस्ट कौन सी है, 10वीं है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या बात किया है, इसमें बात किया गया है पुरुष सूक्ति के बारे में, साथ ही साथ में वर्ण सिस्टम के बारे में बात किया गया है। ऋग्वेद बुक्स 2 to 9 डील विद द कॉस्मोलॉजी एंड द डायटीज, बट द 10th वन इज द रिलेटेड विद द वर्ण सिस्टम। तो ऋग्वेद बुक्स 1 to 10 डील विद द फिलोसफिकल क्वेश्चन एंड ऑल्सो टॉक अबाउट वेरियस वर्च्यूज इंक्लूडिंग अ चैरिटी इन द सोसाइटी। 2 to 7 जो होती है वो ओल्डेस्ट है, अभी हम लोगों ने देखा, जिसको कि हम लोगों ने बोला था गोत्र, गोत्र मंडल, तो दिस इज गोत्र मंडल। 1 to 10 आर द यंगेस्ट एंड द 1 and 10, पहली और दसवीं, ठीक है, ये बड़ी सबसे लंबी है और यंगेस्ट है। 1028 हैम्स रिलेटेड डील्स विद द डायटीज, कौन कौन से डायटीज हैं, अग्नि है, इंद्र है, एंड दीज आर एक्चुअली डेडिकेटेड टू सेज ऋषि। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगेन है जो आपको ध्यान में रखने वाली है, यहां पर 10th मंडल जो है वहां पर बेसिकली रिवर्स के बारे में बात की गई है, और उसमें जो सबसे सीक्रेट रिवर बताई गई है वो बताई गई है किसको, क्या लगता है आपको कौन होगा, नदीतमा, और ये नदीतमा न गंगा को बोला जाता था, न सिंधु को बोला जाता था, न यमुना को बोला जाता था, बोला किसको जाता था, सरस्वती को बोला जाता था। सरस्वती वॉज द सेक्रेट रिवर उस समय की, सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी। इसके अलावा गंगा को भी अच्छा माना जाता था, इसीलिए गंगा का जो कह लीजिए कि नाम जो है वो एक बार लिखा गया है, और यमुना उससे इंपॉर्टेंट थी और उसको 3 बार लिखा गया है 10th मंडल में। ये एक बार लिखा गया, 10 बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, ये भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर डायटीज में अगर बात किया जाए तो यहां पर इंद्र और फायर यानी अग्नि का उल्लेख मिलता है, अग्नि का नाम मिलता है, इंद्र का नाम मिलता है टोटल 250 टाइम्स और अग्नि का नाम मिलता है 200 टाइम्स, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे इस ऋग्वेद पीरियड में। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल्ड बात की है, समझ में आया है कुछ कि नहीं, ये आपको देखिए कंटिन्यूअसली यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस, और इसकी मैं हिंदी पीडीएफ भी डाल दूंगा तो आप हिंदी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, दिस इज हिंदी पीडीएफ विल बी मोर क्लियर एक्चुअली, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी जो है टर्म्स वगैरह मे बी आपके लिए न्यूअर हो, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए, आगे और अगर बात किया जाए, वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट,
ओके द नाइन्थ ऋग्वेदिक मंडल इज अ सॉलिड डेडिकेटेड टू सोम, सोम रस के बारे में बात किया था ना हम लोगों ने, ठीक है। द मीटर्स यूज टू फॉर्म हिम्स आर गायत्री मंत्र, अनुष्टुभ एंड इसी तरीके से बाकी भी चीजें हैं, बट नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए गायत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली सन के लिए था, और इसके अलावा जो भी नॉन आर्यंस थे उनको आर्यंस में कन्वर्ट करने के लिए हुआ करता था। क्लियर हो गया क्या चीज है? अच्छा, हम लोगों ने केवल और केवल अभी हम लोग वेद के बारे में देख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो ब्राह्मण और इससे रिलेटेड जो उपनिषद अरण्य थे उसको हम लोग अभी फिलहाल नहीं देखे हुए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग पहले फिलहाल आगे पढ़ते हैं और सामवेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या चीज है सामवेद? सामवेद में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि दिस इज रिलेटेड विद म्यूजिक, और इसमें सेवन टाइप ऑफ जो भी राग होते हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो सेवन राग, सात टाइप के स्वर बेसिकली यहां पर आ जाते हैं। देख लेते हैं क्या चीज है। दीज आर नोन फॉर द मेलोडीज एंड चैंटिंग्स। सामवेद डेट्स बैक टू 1200 टू 800 BC। दिस वेद इज रिलेटेड टू पब्लिक वर्शिप। There are 1549 verses, except for 75 verses, all have been taken from the Rigveda. Again, याद करना है, ठीक है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। दो उपनिषद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद में रखने होंगे, एक है छंदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋग्वेद में भी अगेन हमारे लिए दो उपनिषद थे, एक का नाम ऐतरेय था, दूसरे का नाम कौशीतकी था, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या था। यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो सामवेद से रिलेटेड जो उपनिषद है, एक हो जाता है छांदोग्य और दूसरी हो जाती है केन, या इसी को बोलते हैं जैमिनीय। तो दिस इज बेसिकली जैमिनीय। जैमिनीय एक ऋषि भी हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ये बना हुआ है। द सामवेद इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। इट इज कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ मेलोडियस चैंटिंग्स, दो इट हैज लेसर वर्सेस देन ऋग्वेद। However, its texts are larger. There are three recessions of the text, and this is Kathama, Rananiya, and Jaiminiya. तो ये basically Jaiminiya जो है, ये याद रखिएगा आप लोग, this is important, और बाकी भी आप लोग याद ही रखिएगा। Samveda is categorized into two parts. First जो होती है जो गाना है, और second जो है आर्चिका है। तो इस तरीके से basically अलग अलग तरीके से इसको divide करके रखा गया है, but not important for us. Samved Samhita is not meant to read as a text. It is actually a musical store sheet that must be heard only. तो ये basically सुनने वाली चीज़ है। इसके बाद आती है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो होती है वो prose and poetry दोनों ही है, और यहाँ पर भी chantings है। तो these are basically to mean as a worship knowledge. जो यजुर्वेद dates back to 1100 to 800 BC. देखिए यहाँ से पूछा था कि सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना है ऋग्वेदा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से है कि इट कंपाइल्स रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग मंत्रास एंड चैंटिंग्स। यहां पर दो तरीके के अगेन ब्राह्मण्स आ जाते हैं, एक होती है कृष्णा और दूसरी है शुक्ल। इसी के नाम पे पक्ष भी बने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि हमारे जितने भी वेदास हैं, वेदास को समझने के लिए टेक्निकल नॉलेज है, इसको समझने के लिए ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण के अलावा उपनिषद होते हैं, उपनिषद के अलावा अरण्यकास होते हैं। तो ये जो ब्राह्मण्स है इसमें दो आते हैं, एक होती है कृष्ण और दूसरी शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद हैज एन अनअरेंज्ड अनक्लियर मॉटल कलेक्शन ऑफ वर्सेस, जबकि शुक्ल में अरेंज है और क्लियर वर्सेस है। कृष्ण यजुर्वेद में दो रेसेंस हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में चार हैं। द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ यजुर्वेद हैज 1875 वर्सेस दैट वर मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। मिडिल लेयर ऑफ वेदा हैज सप्तभाषा ब्राह्मणा विच इज कमेंट्री ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। थोड़ी सी डिटेलिंग जरूर है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते ही रहूंगा। यंगेस्ट लेयर ऑफ यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ वेरियस उपनिषद, बृहद अरण्य का उपनिषद, ईश उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद और कथा उपनिषद। ये चार तरीके के इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिनमें हम लोगों को अभी देखना होगा, जिसमें से वाजस्नेय संहिता इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। देर आर फोर सर्वाइविंग रिसेशंस ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, तैत्रीय संहिता, मैत्रियानी संहिता, कथा संहिता एंड द कपिस्थला संहिता। अब हमारी आगे बढ़ते हैं हम लोग यजुर्वेद, एक्चुअली दिस इज यजुर्वेद, सॉरी ये है अथर्ववेद के बारे में, अथर्व, ठीक है। दिस स्टैंड्स टू अ मीन ऑफ तत्पुरुष कंपाउंड ऑफ अथर्वण, एंशियंट सेज एंड नॉलेज
और ये अगेन जो होती है 1000 to 800 BC के नियर अबाउट की है. द डेली प्रोसीजर ऑफ द लाइफ आर वेरी वेल एनुमरेटेड इन दिस वेदा. इसमें हिम सूक्त और मंत्रास इतने हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आता, ये सब चीजें फालतू है. तो पैपलादा एंड सौनुकिया आर द टू रेसेंशंस ऑफ अथर्व वेदा. तो अगेन ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्स है, यहां पर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. देखिए हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, तो यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस. कॉल्ड अ वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, इट इंक्लूड्स थ्री प्राइमरी उपनिषद. वन इज मुंडका उपनिषद, जहां से सप्तमेव जयते भी लिया गया है. इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद एंड प्रस्थान उपनिषद, ये तीन हमारे उपनिषद भी आती हैं. 20 books are arranged by the length of hymns they contain, unlike Samveda where hymns are borrowed from Rigved, hymns of Atharveda, these are except a few. This Ved contain hymn, many of which are charms and magic spells which are meant to be pronounced by a person who seeks some benefit or more often by a scouter. तो ये थी हमारी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में. आगे हमारी वैदिक लिटरेचर्स के बारे में है और इनको हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. काफी लंबा भी हो जा रहा है, एक ही वीडियो में रखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास को मतलब आज की क्लास को रिवाइज करेंगे, देखेंगे इसके बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे क्या कुछ है. तो देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम तक टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.